वेलकम टू वर्ल्ड आईएएस एकेडमी। आज से हम एक नया इनोवेटिव अप्रोच शुरू कर रहे हैं। इसका नाम मैंने दिया है 5 questions in 5 minutes। और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये केवल उन बच्चों के लिए है जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के देते हैं, क्योंकि बाकी को समझ में नहीं आएगा। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट जो भी कैंडिडेट यूपीएससी और पीसीएस वाले हैं वो इसे मिस करना नहीं चाहेंगे। केवल और केवल क्वालिटी का ध्यान रखा जाएगा, है ना, और कुछ नहीं है इसमें। फर्स्ट थिंग है वन प्लैनेट समिट इसी ईयर में 11 जनवरी 2021 को फोर्थ समिट था ये, और ऑर्गेनाइज किसने किया था, चेयरमैनशिप किसे मिला था, फ्रांस को। वन प्लैनेट समिट एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक बहुत बड़ा समिट है, जिसके दूसरे दूसरे और पार्ट हैं, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों स्पॉन्सर हैं। यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों इसके स्पॉन्सर हैं वन प्लैनेट समिट के। पर्पस क्या है इनका, सीधा सा पर्पस है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट वन प्लैनेट समिट। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान। इसी साल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से एक प्लान लॉन्च किया गया था। पर्पस क्या है, फॉर व्हाट, फ्लोरल फॉनल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, इन तीनों को। आप समझ सकते हैं अगर आप पेपर देते हैं यूपीएससी का या पीसीएस का, तो उनके लैंग्वेज कैसे होते हैं, ये तीनों है, कोई एक है, कोई दो है ना, इस टाइप से। तो ये तीनों के ही बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इसमें शामिल है। स्टेटस एक बार देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खास करके यूपीसी के लिए। एक्चुअली जो स्पीसीज है टर्टल का वो तीन टाइप का है, मेनली वो लाइव रिडली है और लेदर बैक है, लॉगर हेड है। ये तीनों आते हैं वल्नरेबल एज पर द IUCN स्टेटस। हम किसी और की बात नहीं करेंगे, IUCN स्टेटस से देखा जाए तो ओलिवरेटली, लेदर बैक और लॉगर हेड, मे बी मैं प्रोनाउंस कुछ और कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये तीनों आते हैं वल्नरेबल में और ये तीनों फेमस हैं, इंडियन टर्टल है, मरीन टर्टल है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड टर्टल में आता है हॉक्सबिल। याद रहे एक टर्टल का एक प्राणी ऐसा है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, नाम है उसका हॉक्सबिल। एक होता है इंडेंजर्ड और इसका नाम है ग्रीन टर्टल। ग्रीन टर्टल इंडेंजर्ड है, यानी टर्टल लगभग तीनों श्रेणी को, तीनों जो कैटेगरी है उसको कवर करता है। वल्नरेबल में आता है ओलिव, लेदर और लॉगर। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है हॉक्सबिल और इंडेंजर्ड में आता है ग्रीन टर्टल। आप चाहें तो इस पे ट्रीट बना सकते हैं, एक एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है और बाकी के तीन वल्नरेबल में। अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर ने, सीतारमन जी ने, एनक्लैड का जो कंपनी के ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ से रिलेटेड ट्रिब्यूनल को हियर करती है, अपील को हियर करती है जो ट्रिब्यूनल, जिसका जैसे हम शॉर्टकट में एनक्लैड कहते हैं, उसका दूसरा बेंच उन्होंने एस्टेब्लिश करवाया है चेन्नई में। अब तक एनक्लैड के केवल दो बेंच हैं, एक दिल्ली में उसका प्रिंसिपल बेंच है, मेन बेंच है, चेन्नई में हाल ही में दूसरा बेंच उन्होंने एस्टेब्लिश किया। एनक्लैड आया था 1 जून 2016 को। आया था ये किस कंपनी एक्ट के अंदर, ये कंपनी एक्ट 2013 के अंदर लाया गया था, इसके थ्रू लाया गया था इनक्लाइड को। और ये अपील हियर करता है किससे और किससे करता है, ये देखिए, ये आईबीसी जो इंसॉल्वेंसी बैंक कोड जो लाई गवर्नमेंट ने लाया था उससे, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, दिस इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के ये अपील हियर करते हैं। टोटल बेंच अब दो है, मैक्सिमम मेंबर इसमें 11 हो सकते हैं, मैंने यहां ग्रेटर देन का यूज किया, 11 से ज्यादा नहीं हो सकते, 11 के बराबर हो सकते हैं, जिसमें एक जुडिशियल, एक टेक्निकल और बाकी के 9 और भी होते हैं। टोटल बेंच अब तक कंट्री में 2 है। हाल ही में इंडिया और जापान के बीच में एमओयू साइन किया गया है। इस एमओयू का पर्पस है जो इंडिया में स्किल्ड वर्कर हैं 14 कैटेगरीज के,
14 कैटेगरीज मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो स्कीम है उनके लिए एमयू साइन किया है इंडिया और जापान ने। जापान इंडिया से स्किल वर्कर को अपने यहाँ मंगाएगा और उन्हें वर्क देगा, ये बहुत अच्छी बात है, बेरोजगारी कम होगी। आज का लास्ट आर्टिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जापान ने कहा है कि 2023 तक, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है जापान का, 2023 तक वो वुड का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ठीक है, तो आज के थे ये 5 मिनट और 5 क्वेश्चन।